तो दोस्तों आज मैं जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा वो दोस्तों थोड़ा सा डेंजरस है। वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। इसके लिए मैंने पावर सोर्स के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा जो मेरा होम मेड 12 वोल्ट पावर सोर्स है। तो मैंने आपको ये वाला पावर सोर्स बना के दिखाया था मेरा। आप लोग मेरा पुराना वीडियो सर्च करके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पावर सोर्स मैंने बनाया है। फिर भी आपको यहाँ पर खोल के थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल का बहुत सारा एडाप्टर है और एडाप्टर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक लिंकिंग सर्किट है, ठीक है। ये लिंकिंग सर्किट आप खुद से भी बना सकते हैं या मैं इसको एक SMPS से इसको कलेक्ट किया था, मतलब टूटा हुआ SMPS से मैं इसको कलेक्ट किया था। और ये लिंकिंग सर्किट बनाने के बाद मैं इसको एक जेम्स बॉल के अंदर इसको दोस्तों अच्छी तरह से मैंने इसको फिट कर दिया। तो इससे मुझे यहाँ पर पावर सोर्स मिल गया जो 12 वोल्टेज मुझको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन भी ले लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्लव्स को यूज़ कर लूँगा जो मुझे हाई वोल्टेज शॉट से मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मेरा पुराना जो फ्लाईबैक है। मैं मेरा फ्लाईबैक का आपको मैं नंबर भी दिखा देता हूँ जिससे आपको इजीली फाइंड आउट हो जाए। ये है BSC25T1010A फ्लाईबैक, ठीक है। और फ्लाईबैक का जो हाई वोल्टेज का पार्ट है ये है मेरा इसका हाई वोल्टेज पार्ट। यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो पावर है ये पावर होता है। और दोस्तों इनपुट के लिए मैं फ्लाईबैक के बाहर में कोई भी सर्किट मैंने लपेटा नहीं है, ठीक है। मैंने इसका ही प्राइमरी का सेक्शन को मैंने हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए मैं इसका 1 और 2 टर्मिनल में आप दोनों टर्मिनल यहाँ पर निकल सकते हैं। ये दोनों टर्मिनल में आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लगा दीजिए ये काम करने लगेगा और बहुत ही ज़्यादा काम करने लगेगा, बहुत ही अच्छी तरह से काम करने लगेगा, ठीक है। तो आपको मैंने दिखा दिया इसका 1 और 2 पोर्ट में आप इसको लगा दीजिए, आपको बाहर के में कोई भी वाइंडिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब एक्सपेरिमेंट को करते हैं। ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करने लगेगा और इसका दोस्तों जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी फ्लाईबैक में चला जाएगा और फ्लाईबैक में चला जाने के बाद यहां पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा दोस्तों स्पार्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो करीब आप 10 से 5 सेंटीमीटर के आसपास ही होता है, ठीक है। इतना ज्यादा इतना अच्छा ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों इसको कनेक्ट कर रहा हूँ मेरा मेन्स में, ठीक है। अभी दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ इसका पावर, ठीक है, रेडी। और दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हाई एक स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है। और दोस्तों जो मेरे पास यहाँ पर ओजोन का स्मेल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है जो ये स्पार्क यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोस्तों यहाँ का जो ऑक्सीजन होता है ये एयर का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को दोस्तों तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ओजोन जनरेट होता है और ये ओजोन आप इसको स्मेल में ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जो मेरे पहले वाला जो मेरा फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर था उसमें दोस्तों ज़्यादा रिस्क नहीं था, उसके अंदर मैं हाथ भी रखा तो मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं लगा था, लेकिन ये पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। ये देखिए और यहाँ पर दोस्तों इतना ज़्यादा है इसका पावर, आप आकर यहाँ पर किसी भी पेपर को रखेंगे तो ये दोस्तों इजीली जल जाएगा। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों इजीली ये जल जाएगा, इतना ज़्यादा इसका पावर होता है, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब फॉर इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।